हाय गाइस, वेलकम टू एच वर्ल्ड जगदलपुर। मायसेल्फ डीके, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। लास्ट टाइम आपने इतना अच्छा रिस्पांस दिया हमारे वीडियोस को। जस्ट इस ये स्टार्ट था, ये वीडियो जर्नी जस्ट ट्रायल था, लेकिन मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना अच्छा व्यूअर्स आएंगे इसके लिए। थैंक यू सो मच। आज हम बात करेंगे, लास्ट हमने एनवी स्टार्ट किया था, आज हम करेंगे विक्टस अफोर्डेबल, जो कि अफोर्डेबल गेमिंग लैपटॉप है फॉर बिगिनर्स, फॉर गेमर्स, फॉर कंटेंट क्रिएटर, ग्राफिक डिज़ाइनर। ऑल यू हैव टू डू इन दिस लैपटॉप, आपके ग्राफिक्स रिक्वायरमेंट है, आपको गेम खेलना है, आपको कंटेंट क्रिएट करना है, आपको एडिटिंग करना है, वो सब आप इसमें स्टार्ट कर सकते हैं। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले अनबॉक्सिंग करते हैं इसका। तो ये है हमारा विक्टस लैपटॉप, HP 15 विक्टस, मॉडल नंबर है FB0040AX। आप देख सकते हैं कितना अच्छा बॉक्स है इसका, ब्लैक कलर का डिज़ाइन है, विक्टस नाम से है। पहले के जो पवेलियन सीरीज का लैपटॉप आता था, उससे कहीं ज़्यादा लैपटॉप विक्टस काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। परफॉर्मेंस में भी अच्छा है, नाम भी काफ़ी अच्छा है। पहले ये लैपटॉप सिर्फ रिलायंस डिजिटल या LFR में आता था, लेकिन अब HP वर्ल्ड में अवेलेबल है, ईजी अवेलेबल है। तो आप ये देखो, हियर यू गो। हम इसको अनबॉक्स करते हैं, बॉक्स को साइड में रखते हैं। ये हो गया इसका प्लास्टिक रैप, मैं इसको उठाकर आपको दिखाता हूँ। लेट्स गो। ये देखिए डिज़ाइन देखो आप इसका, पहले जो गेमिंग आता था और अब इस वाले गेमिंग में कितना डिफरेंस है। डिज़ाइन की बात करें तो 15 इंच का स्मॉलर फुटप्रिंट है, तो कहीं से भी नहीं लगेगा कि ये गेमिंग लैपटॉप है, बल्कि लैपटॉप है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नैरो एज डिस्प्ले है इसका, बॉर्डर है इमर्सिव गेम प्ले करने के लिए। फुल HD IPS इसका स्क्रीन साइज़ है, 15.6 का है। NVIDIA GTX 1650 का ग्राफिक्स है। Ryzen 5 5600H प्रोसेसर है, जो कि 7 नैनोमीटर RDNA आर्किटेक्चर के साथ आता है। और सबसे खास बात यह है कि इसमें Office 2021 दिया हुआ है, जो कि किसी भी गेमिंग लैपटॉप में आप इससे पहले नहीं आता था। हालांकि गेमर्स के लिए ऑफिस को ये सेकेंडरी है, लेकिन फिर भी माइक्रोसॉफ्ट ने इसमें अपना ऑफिस जो है इंस्टॉल किया हुआ है। 144Hz का रिफ्रेश रेट है, 79 मिलीसेकंड का रिस्पांस टाइम है। डिस्प्ले की बात करें तो इसका आप देख लेते हैं, इसका देखो लार्जर ट्रैक पैड है, कितना बड़ा ट्रैक पैड है इसका। आपको गेम खेलने के लिए या जूम इन प्रेसिजन टच पैड है, बहुत इजी होगा। वेंट की बात करें तो पीछे इसका देखते हैं कि लार्जर वेंट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका वेंट दिया गया है, जो अभी पहले पेवेलियन और विक्टस में 12% इसका एनलार्ज किया गया है, जो आपका जो गर्म हवा है उसको बाहर निकालने के लिए काफ़ी अच्छा स्पेस दिया हुआ है, काफ़ी कूल करेगा। अगर आप कूलिंग पैड भी नहीं करते हैं तो ज़्यादा आपका लैपटॉप हीट नहीं होगा। सेकंड थिंग है इसका वेंट, कूलिंग फैन दिया हो गया है इसमें, इसका जहानी कम है, ये अंदर बाहर की गर्म हवा को बाहर फेंकेगा, अंदर की सक करने के लिए काफ़ी अच्छा दिया गया है इसमें। ये फ़ैन है वेंटिलेशन के लिए, काफ़ी अच्छा है। पोर्ट्स की बात करें तो USB 3.0 का पोर्ट्स है, चार्जिंग है, ये हेडफोन है, माइक्रो एसडी कार्ड दिया गया है इसमें। सेकंड थिंग इधर हम देखते हैं कि HDMI है, लैन पोर्ट दिया गया है गेमिंग में, टाइप सी है USB फास्ट डेटा ट्रांसफर के लिए, एंड सेकंड USB पोर्ट एक और दिया गया है। ऑलराइट, हम देखते हैं इसको। विक्टस से सबसे अच्छी बात यह है कि ये लोगो, विक्टस से लोगो है, काफ़ी प्रीमियम सोफेस्टिकेटेड लुक दे रहा है इसको, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब HP, कई कस्टमर कन्फ्यूज आते हैं कि ये HP का ही ब्रांड है कि नहीं, लेकिन ऑफकोर्स ये HP का ही ब्रांड है, विक्टस लैपटॉप, विक्टस पवेलियन 15। ओके, परफॉर्मेंस की बात करें तो AMD Ryzen 5 5600H, मैं फिर से बोलना चाहूँगा, 4.2 GHz का मैक्स टर्बो बूस्ट क्लॉक स्पीड है इसका, 16 MB का कैश मेमोरी है, 6 कोर एंड 12 थ्रेड के साथ आता है ये लैपटॉप, विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ दिया गया है, और 4GB NVIDIA GTX 1650 का डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड है। अगर आपको गेम प्ले करना है, ऑपरेटिंग करना है, ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग कुछ कर रहे हैं, या आप गेमिंग लैपटॉप लेना चाहते हैं, तो आपके लिए अफोर्डेबल बेस्ट ऑप्शन ये लैपटॉप हो सकता है। ओके, मल्टीमीडिया में दिया गया है, अलेक्सा है, ड्रॉप बॉक्स है, क्विक ड्रॉप टेक्नोलॉजी है। क्विक ड्रॉप के लिए यह है कि आप जो है अपने जो डेटा हैं, वो डेटा केवल जरूरत नहीं पड़ेगी, क्विक ड्रॉप से आप डायरेक्टली आप फ़ोन से अपना डेटा जो है ट्रांसफ़र आप कर सकते हैं इस लैपटॉप के थ्रू। अलेक्सा है, इनबिल्ट दिया गया है, HP सपोर्ट असिस्टेंट है। डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 15.6 का डायगोनल FHD डिस्प्ले है, 144 का रिफ्रेश रेट है, 9 मिलीसेकंड का रिस्पांस टाइम है, और 141 का PPI है, 250 nits का ब्राइटनेस है। हाँ, कलर गेमेट इसमें 45% NTSC है, जो कि थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइजेबल है,
100% तो नहीं है, लेकिन वो भी एंट्री लेवल के गेमिंग लैपटॉप के लिए काफ़ी अच्छा है। स्क्रीन रिजोल्यूशन 1920 एंड 1080 का स्क्रीन रिजोल्यूशन है। फुल साइज बैकलिट कीबोर्ड है, नम पैड के साथ दिया गया है। आप इसमें देख सकते हैं RGB नहीं है, लेकिन ये वाइट घोस्ट लैपिंग कीबोर्ड है, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। अगर आप नाइट में वर्क करते हैं, लो लाइट डिस्प्ले काम करते हैं, तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आएगा आपको। प्रेसिजन टचपैड है, 2 फिंगर से जूम इन जूम आउट, 3 फिंगर से स्वैप, जो कि एक मैकबुक का फीचर है। 3 फिंगर से आप स्वैप कर सकते हैं, मल्टीपल टैप को आप 3 फिंगर से इजीली स्वैप कर सकते हैं आप। ओके, मल्टी केसर सपोर्ट है। वेट की बात करें तो सिर्फ 2.37 kg इसका वेट है, मतलब आपको लैपटॉप में ये बैग, आपका लैपटॉप जो है काफ़ी हैंडी है, पोर्टेबल है, कहीं भी कैरी करने के लिए आप कहीं से भी नहीं लगेगा कि ये बल्की या हैवी लैपटॉप है, कहीं से भी नहीं दिखेगा। सिक्योरिटी बात करें, एनर्जी स्टार सर्टिफाइड है, ईपैड सिल्वर रजिस्टर्ड है इसका। 8 GB का रैम है, आप 16 GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। 512 GB का NVMe SSD है, आप उसको 1 TB का आप एक्सपेंड कर सकते हैं। DDR4 3200mAh का इसका मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी है। 3-cell लियोन पॉलीमर बैटरी है। ऑडियो बाय BNO का ऑडियो स्पीकर है, आप जानते ही हैं BNO के ऑडियो क्वालिटी के बारे में काफ़ी बेहतरीन है। बताना चाहूँगा BNO जो है वो जो जितने भी लग्जरी गाड़ी में आता है उसकी स्पीकर इसमें यूज़ हुआ है, तो काफ़ी अच्छा साउंड परफॉर्मेंस रहेगा इसके लिए। डिज़ाइन की बात करें तो पहले बताया था स्मॉलर फुटप्रिंट है, 15.6 का डिस्प्ले है, फुल फंक्शन बैकलाइट कीबोर्ड है, नंबर के साथ है, लार्जर एरो की है आप देख सकते हैं इसमें। इसका जो एजेस है, सॉफ्टवेयर एजेस है, जो कि सोफिस्टिकेटेड है, अप्रोचेबल लुक है आपको गेमिंग के लिए, एडिटिंग के लिए काफ़ी अच्छा दिया गया है। लार्ज टचपैड है बेटर यूज एक्सपीरियंस के लिए। 7 nm का RDNA आर्किटेक्चर है। रेडॉन इमेज शार्पिंग टेक्नोलॉजी है, VR रेडी टेक्नोलॉजी है। अगर आप VR का यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली इसमें कॉम्पैटिबिलिटी इशू है, कॉम्पैटिबिलिटी इशू नहीं आएगा। अल्ट्रा फास्ट रिस्पॉन्स टाइम है, रेडॉन एंटी लैग टेक्नोलॉजी इसमें दिया गया है। एंड सबसे अच्छी बात है ओमेन गेमिंग हब, इसमें परफॉर्मेंस कंट्रोल दिया गया है कि आप अगर ओमेन कमांड सेंटर के बहुत वेरियस ऑप्शन है, आप नॉइज़ कंट्रोल, ब्राइटनेस कंट्रोल, वॉल्यूम कंट्रोल या ग्राफिक स्विचर, नेटवर्क स्विचर, फैन नॉइज़ कंट्रोल, ये सब आप इजीली कर सकते हैं। इवन सस्टेनेबिलिटी की बात करूँ तो कहीं ना कहीं आप अगर HP का लैपटॉप ले रहे हैं तो आपका एनवायरनमेंट में 100% कंट्रीब्यूशन है। वैसा है कि HP के अपना लैपटॉप जो है वो जो भी बताते हैं वो ओशन ब्राउन प्लास्टिक से 40% रिसाइकल प्लास्टिक से क्रिएट करके आपको HP का लैपटॉप बनाते हैं। मतलब अगर आप HP का लैपटॉप ले रहे हैं तो आप एनवायरमेंटल में डेफिनेटली आपका कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। जो HP टेक्नोलॉजी है वो ओशन ब्राउन प्लास्टिक को, आपको जो लैपटॉप का कवर है, बॉक्स है, वो ओशन ब्राउन प्लास्टिक इसमें यूज़ करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बहुत बेहतरीन लैपटॉप है, गेमिंग विक्टस 15 FP0040X, जो अगर आप किसी एंट्री लेवल के गेमर हैं या ग्राफिक डिजाइनर हैं तो ये लैपटॉप काफ़ी अच्छा होने वाला है आपके लिए। आप किसी भी नियरेस्ट HP वर्ल्ड में जा सकते हैं, इसको टच एंड फील कर सकते हैं, देख सकते हैं। मैं तो सजेस्ट करूँगा कि जितने भी गेमर्स हैं वो ये ले सकते हैं। बाकी हम बात करेंगे कि इसके प्राइस के बारे में, तो प्राइस जो है वो अंडर 60K तक आ जाता है। आप जो है बेस्ट प्राइस आपको स्टोर विजिट करने के बाद ही मिलेगा, और बहुत सारे ऑफर्स चलते रहते हैं, कैशबैक है और वारंटी ऑफर्स है, ये तो HP वर्ल्ड में रहता ही है। तो हम इसका देख सकते हैं अडाप्टर के बारे में बात करें तो 150W का अडाप्टर है, जो कि काफ़ी अच्छा दिया हुआ है पावरफुल परफॉर्मेंस के लिए। जल्दी हीट नहीं होता है, लॉन्गर बैटरी फास्ट चार्ज करता है, 50% चार्ज जस्ट 45 मिनट में हो जाता है। इसका लुक देख सकते हैं, यहाँ पावर बैंक जैसा लुक दिया हो गया है। 150W का चार्जर टाइप सी नहीं है, नॉर्मल यूजी चार्जर भी नहीं है, नॉर्मल थिंग दिया जो कि हर लैपटॉप में आता है। काफ़ी अच्छा दिया है इस चार्जर का लुक, आप देख सकते हैं। नेटवर्किंग के बारे में दिया गया है, इसका जो यूजी पोर्ट्स हैं, इसका सारे यूजी पोर्ट 5 GB सिग्नल रेंज को सपोर्ट करता है। वाईफाई 6 है, DDR4 का मेमरी है। तो ये हो गया HP विक्टस गेमिंग लैपटॉप का रिव्यू। आफ्टर आप कैसा लगा वीडियो, आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट में करके बताइए। अच्छा लगा तो दूसरों को बताएं, अच्छा नहीं लगा तो हमें कमेंट करके बताएं। थैंक यू।